नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पहाड़ी जीवन पर। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी जगह पर आया हूं, यहां पे कोई क्लाइंट थे सिविल कास्ट वालों ने, उन्होंने ज़मीन ले रखी है अपनी ढाई नाली, उस पर हम कर रहे हैं तार एंगल। तो मैं दिखाता हूँ अपने तार एंगल की कुछ आपको फुटेज और दिखाता हूँ यहाँ से लुक कि बहुत ऊँचाई पर जगह है दोस्तों, काफ़ी ठंडी हवा यहाँ पर मिलती है। आप लोग भी कभी यहाँ पर आएंगे तो महसूस करेंगे। यहाँ पर सारी ज़मीन जो भी है दोस्तों, सारे सिविल कास्ट की हैं, ये सिविल कास्ट ही ले सकता है और आपको ज़मीन भी सस्ती मिल जाएंगी। मैं दिखाता हूँ यहाँ का लुक, यहाँ से हिमालय भी बढ़िया दिखता है, यहाँ से लुक दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ अपना काम का कुछ झलक किस प्रकार से काम हो रहा है। अगर आपको भी कुछ हमसे जानकारी चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटिव या कंस्ट्रक्शन से रिलेटिव, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ अपने काम की झलक, चलिए वीडियो दोस्तों देखिए। यहाँ से इस प्रकार का लुक आता है, काफ़ी खूबसूरत क्षेत्र है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये थोड़ा पदमपुरी जो मार्केट है उससे तकरीबन 7 किलोमीटर ऊपर है दोस्तों, और काफ़ी खूबसूरत लुक यहाँ से आता है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और सामने मैं जूम करता हूँ थोड़ा बहुत, और सामने यहाँ से आपको दिख रहा होगा हल्का सा हिमालय व्यू, यहाँ से हिमालय काफ़ी बढ़िया दिखता है दोस्तों थोड़ा बहुत। और जिन लोगों को रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए ज़मीन चाहिए, जो सिविल कास्ट के बंदे हैं जो मेरी यह वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आपको सस्ती ज़मीनें भी मिल जाएंगी यहाँ पर। और आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम एंगल तार पार कर रहे हैं। देखिए काफ़ी खूबसूरत लुक है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया मौसम यहाँ है, शुद्ध हवा, यहाँ की हवा में कुछ अलग ही मज़ा है दोस्तों। काफ़ी ऊंचाई पे यह क्षेत्र है, हिमालय भी आपको शानदार दिख रहा होगा। मैं आपको ले चलता हूँ आगे अपने काम की तरफ, आगे देख रहे हैं हमारा चल रहा है तारंगील। तो दोस्तों, चैनल पर अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। और जो ये रोड देख रहे हैं दोस्तों, इस पर अभी डामरीकरण होने वाला है, रोड का कार्य जो है कम्प्लीट हो चुका है। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है और हमारी चल रही है यहाँ पे तार एंगल। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटिव और प्रॉपर्टी रिलेटिव जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही जानकारी दें। और देखिए कितना खूबसूरत व्यू है दोस्तों, यहाँ से बढ़िया इलाका है, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए काफ़ी बढ़िया क्षेत्र है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे नपाई हमारी हो रही है, और जो ये रोड देख रहे हैं दोस्तों, अभी रोड कच्ची है, इस पर डामरीकरण होने वाला है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रह गया था। और देखिए ये चल रहा है अभी हमारा तार एंगल का कार्य, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ही कंप्लीट होता है। और देखिए दोस्तों, ढाई नाली आपको दिखाता हूँ मैं, जहाँ आगे गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ से लेकर जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ये स्टैम्प पोस्ट, यहाँ तक कि ये ढाई नाली की पूरी यहाँ पर तार बाउंड्री हो रही है। अभी एंगल कर रहे हैं, मैं आपको सारा दिखाता हूँ इस वीडियो में किस प्रकार से हम काम करते हैं। काफ़ी बढ़िया क्षेत्र है दोस्तों, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, और सामने पूरा हिमालय व्यू है, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और दोस्तों, इसके साइड से भी ज़मीन बिकाऊ है, लेकिन ये ज़मीन दोस्तों वही है कि सिविल कास्ट की ज़मीन है और सिविल कास्ट का बंदा ही इनको ले सकता है। रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए बढ़िया है, सस्ती ज़मीनें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। पदमपुरी मार्केट से तकरीबन 7 किलोमीटर ऊपर है दोस्तों यह क्षेत्र, काफ़ी ऊंचाई पे है, शुद्ध हवा और ठंडी हवा यहाँ आपको बराबर मिलते रहेगी। कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ का लुक है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। कुछ इस प्रकार से इन्होंने, जो हमारे क्लाइंट थे, इन्होंने ढाई नाली परचेज की हुई है यहाँ पे, और बता दिया है मैंने आगे जहाँ से गाड़ी है और जहाँ पे स्टैम्प पोस्ट है, यहाँ तक कि पूरी ढाई नाली यहाँ से नीचे तक का है। और व्यू यहाँ से काफ़ी शानदार है, जो लोग शांति प्रिय जगह पर रहना चाहते हैं और थोड़ा शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बढ़िया जगह होने वाली है, क्योंकि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है दोस्तों। टूरिस्ट पर्पज़ इतना यहाँ पे है नहीं, जो रहना चाहते हैं, अपना सेकंड होम बनाना चाहते हैं और यहाँ रेजिडेंशियल पर्पज़ जिनको चाहिए, उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया होने वाला है दोस्तों, क्योंकि शांत जगह है, काफ़ी खूबसूरत क्षेत्र है दोस्तों। और भी कुछ जानकारी आप लोगों को चाहिए होगी दोस्तों, हमसे कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ ही में। और प्रॉपर्टी रिलेटिव अगर आप लोगों को वीडियो देनी है दोस्तों, हमारी प्लेलिस्ट मुक्तेश्वर प्रॉपर्टी को देखना ना भूलें, उसमें आपको हर प्रकार की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें दोस्तों। रोड कनेक्टिविटी इस पर आपको मिल ही रही है, और पानी की कोई कमी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर अच्छी जगह है, बढ़िया क्षेत्र है। और आपको दिखाता हूँ मैं आगे भी अपना तार बाउंड्री का कार्य,
तो चलिए दोस्तों रोड से नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हमारा एंगल हो रहा है। फर्स्ट एंगल ये लगा चुके हैं, मसाला देखिए कंप्लीट हो रहा है और नीचे भी चल रहा है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से काम हो रहा है यहाँ पे। और देखिए काफ़ी खूबसूरत क्षेत्र है फॉरेस्ट के बीच में, काफ़ी सुंदर लोकेशन है इस जगह की। देखिए तार बाउंड्री का काम हमारा चल रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको पूरा किस प्रकार से कार्य हो रहा है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर कार्य हो रहा है, पूरी बाउंड्री जो इनकी ढाई नाली की ज़मीन है इस पर पूरा एंगल कर रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है इस जगह की। पूरा आपको एरिया दिखा रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से जा रहा है एरिया यहाँ से लेकर ऊपर रोड तक जहाँ से आपको देख रहे हैं, ये पूरा एरिया है ढाई नाली का और काफ़ी खूबसूरत क्षेत्र है, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप लोगों को भी हमारी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नए टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनों को खुशी दें। देखिए दोस्तों हमारा काम चल रहा है, काफ़ी सुंदर लोकेशन है और काफ़ी बढ़िया यहाँ से हिमालय व्यू दिखता है दोस्तों।